गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी गर्ल श्रेया। हाय आई एम श्रेया। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत ही अमेजिंग से लुक शेयर करने वाली हूँ इस ईद के लिए, एंड मेकअप लुक भी होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड मैंने यहाँ पे दो आउटफिट यूज़ किए हैं, एक्चुअली एक पूरा सेट है और एक कुर्ती है जो कि मैंने यूज़ किया है इस वीडियो के लिए। सो आई होप कि मेरे ये दोनों लुक आपको पसंद आए। एंड ये मेकअप लुक जो अभी मैंने कैरी किया हुआ है, ये मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सटल सा मेकअप लुक है, कुछ बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है मैंने। एंड ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट सा लुक है ये, एंड बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने क्रिएट किया है। सो यहाँ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया है, एंड अब हम अपने बेस के लिए यहाँ पे मैंने बीबी क्रीम यूज़ किया है। आप फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं एज़ पर योर चॉइस। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं किया, मैंने बस बीबी क्रीम अप्लाई किया। उसको ब्लेंड करने के बाद उसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे स्टे कॉर्की का लूज़ पाउडर यूज़ किया है, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकती हैं। हल्का सा फेस को कॉन्ट्रोल करेंगे हम, उससे थोड़ा फेस पे एक शेप आता है, इसलिए कॉन्ट्रोल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है, आप कॉन्ट्रोल स्किप कर सकती हैं। आई मेकअप के लिए सिंपल सा बस मैंने ब्राउन शेड पिक किया है और उसको अपने पूरे लिड पे अप्लाई कर लेना है हमें। एंड मैंने यहाँ पे दो शिमर लाइनर्स यूज़ किए हैं मार्स कंपनी के, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। तो एक सिल्वर कलर का है और एक स्काई कलर की है, उन दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी एंड उसको फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दूँगी मैं पूरे लिड पे। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है एंड ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम मैंने यहाँ पे अलाइनर अप्लाई किया है, एनवाई बे का अलाइनर लगाया है मैंने। एंड इफ़ इन केस अगर आपको अलाइनर लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप चेकआउट कर लेना। सो मैंने यहाँ ब्राउ को फिल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस शेप दिया है। एंड मैं यहाँ पे ये मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये हाइलाइटर टूट चुका था बट मैंने इसको बना लिया है। कैसे बनाया है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेकआउट कर सकते हो। सो या हाइलाइटर ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ इनसाइड का लिपस्टिक यूज़ किया है, फूशिया पिंक कलर का है ये, नॉट फूशिया, मर्जेंटा पिंक कलर का, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई किए हैं तो आप देख सकते हो आँखों में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए फॉल्स लैशेस अगर आपको लगाना पसंद है तो ज़रूर लगाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक आता है। अगर कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो मैंने दोनों आँखों पर लगा लिया है, मेकअप डन है, अभी आउटफिट देख लेते हैं। तो चलो फिर अभी आउटफिट देखते हैं। सो आउटफिट के लिए मैंने यहाँ पे दो सेलेक्ट किए हैं, एक ही पूरा सेट है, ये ईशन ब्रांड का है जो कि मैंने मीशो से बाय करा था, और ये अनूक का कुर्ता है, ये गोल्डन बेज कलर का, काफ़ी अमेजिंग कुर्ता है ये। सो आज मैं इन दोनों को स्टाइल करके दो लुक शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने ये वाला रेड कुर्ता सेट वेयर किया है, ईशन ब्रांड की है ये, मीशो से बाय करी है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सा रेड कलर का कुर्ता है जैसा कि आपको दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड मैंने इसके साथ ग्रीन कंट्रास्ट में ज्वेलरी वेयर की है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड बालों को मैंने ओपन रखा है साइड पार्ट इन करके। सो ये जो ज्वेलरी है सूखी ब्रांड की है, मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। इसके साथ नेक पीस भी है बट मैंने इसमें नेक पीस स्किप कर दिया है क्योंकि इसका जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है, तो नेक पीस मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था इस पर, इससे दैट्स वाई मैंने बस मांग टीका और ईयरिंग्स वेयर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। सो आप इस तरीके से कुछ स्टाइल आउट कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट लुक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ट्रस्ट मी, आप इस लुक को एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपके पास कोई सा भी शरारा शर्ट हो उसके साथ इस तरीके से कर सकते हो। ऑलराइट, जो नेक्स्ट लुक है उसमें मैंने ये वाला गोल्डन बेज जो मेरा कुर्ती था उसको वेयर किया है, अनूक ब्रांड की है ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ मैंने मांग टीका रिमूव कर दिया है, हेयर मैंने बन बनाया है मैसी बन। एंड या इसके साथ मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया है, ये सिल्क का दुपट्टा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरे इस ओवरऑल लुक को। तो आप कुछ इस तरीके से दूसरा लुक भी ट्राई कर सकती हैं, गोल्डन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में, गोल्डन बेज रेड के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो या यही थे दोनों लुक, आई होप कि मेरा ये दोनों लुक आपको पसंद आया हो। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय। That's all about it.
विद गाइस. आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो. एंड वीडियो पसंद आया हो तो यू नो कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं को नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड यू ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लखनवीगर18. आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स एंड फन. सो सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो गाइस. टिल देन बाय बाय.